शांति। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ मुझे उपस्थित रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले शिव बाबा का धन्यवाद करती हूँ। फिर हमारे अनुभूति रिट्रीट सेंटर के आदरणीय हेमा बहन, वैशाली बहन और आप सभी भाई बहनों का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे आदरणीय चंपा बहन और जयंत भाई का भी मुझे इस अवसर प्रदान करने में सहयोग देने के लिए उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और इस कार्य के लिए जो प्रेरणा स्रोत है, वैसे मिनेश भाई का भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है परिस्थिति में स्वस्थिति कैसे बनाए रखें। बाबा ने तो हम बच्चों को मुरलियों में बहुत सारी बातें बताई है कि परिस्थिति तो आएगी और परिस्थिति में हमें कैसे स्वस्थ रहना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। इस टॉपिक में मैं पर्सनली अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि परिस्थिति में स्वस्थ कैसे रहना। वो सबसे पहले मैंने अपनी माता जी से सीखा है। आज मेरी उम्र 55 ईयर्स है और 55 ईयर्स तक की उम्र में मैंने अपनी माता जी को कभी गुस्सा होते नहीं देखा है, कभी टेंशन में आते हुए नहीं देखा है, क्योंकि मेरी माता जी अपने स्वभाव से बहुत ही नम्र और बहुत ही अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से शांत रहकर करती है, वो मैंने देखा है। घर की परिस्थिति कैसी भी हो, घर में चाहे कुछ चीज हो कुछ चीज नहीं हो, घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं, घर में कोई थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है, तो भी कैसे हमारी माता जी अपनी स्थिति को बनाए रखती है और अपने मन को शांत और स्वस्थ रखकर कैसे अपने कार्य को पूरा दिन करती रहती है। तो मैंने अपनी माता जी से ये बात सीखी है, सहन करना वो अपनी माता जी का निजी गुण है, तो वो भी थोड़ा बहुत, मैं उनकी जितना तो नहीं कहूंगी क्योंकि वो जितना सहन कर पाती है उतना तो शायद हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनसे क्या बेनिफिट होता है, घर में कैसे शांति रह सकती है, सभी के साथ के संबंध कैसे सुचारू रूप से निभा सकते हैं, वो बातें मैंने अपने लौकिक माता जी से सीखी है और उसी अनुसार चलने में हमें फायदा है। सबसे बड़ा फायदा वो रहता है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारा मन कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा मैंने देखा है अपनी माता जी से। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे सामने छोटी छोटी सिचुएशन आती है। मैं अपनी पढ़ाई की बात करें तो जब मैं 12th में थी तो हमारी इंटरनल एग्जाम के आगे आगे मुझे टाइफाइड हो गया था और उस समय मेरी पढ़ाई बहुत कम हो पाई थी, लेकिन पहले से एक स्वभाव है
जो भी काम करे उसमें हो सके उतना परफेक्शन हो। सब काम हम कर ले ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो काम हो सकता है उसमें परफेक्शन हो। तो 12th की एग्जाम में जो हमारा सिलेबस होता है वो सब तो मेरे से पूरा होने वाला नहीं था, वो मुझे पता था। तो मैंने मार्क्स के वेटेज के अनुसार जिसका वेटेज ज्यादा है वो चैप्टर तैयार कर दिया और प्रीलिम एग्जाम दी, तो उसमें हर एग्जाम में पास हो सके। तब से पता चला कि कैसे प्रायोरिटी से हम कार्य करते हैं तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे आगे चलते गए, बीएससी किया, फिर एमएससी करने लगे। तो एमएससी में हमारा वाइवा होता है, तो वाइवा में वाइवा भी होता है, हमारा सेमिनार भी होता है। तो वाइवा और सेमिनार में हर एक स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करती थी कि कौन स्टूडेंट किस तरह से सेमिनार देते हैं और कैसे वो अच्छी तरह से सेमिनार में अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो वैसे ऑब्जर्व करते करते जब हमारा टर्न आता था तो हम भी कैसे अच्छे से स्वस्थ होकर अगर बात करते हैं तो हमारी बात सब समझ सकते हैं। अगर टेंशन में आते हैं और टेंशन में आकर जल्दी जल्दी सब कुछ बोलते ऐसा अगर करते हैं तो वो बात, वो टॉपिक न कोई और समझ सकता है न हमें उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये बात भी हमने ऑब्जर्वेशन से सीखा। धीरे धीरे आगे आए तो जब जॉब करने लगे, पीएचडी किया, फिर जॉब में गए। तो जॉब में जब मैं पहली बार इंटरव्यू देने के लिए गई, पहली बार मैं हमारे गुजरात में पंचमहल जिला में लुणावाड़ा गांव है वहां पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी। उस वक्त मेरा पीएचडी चल रहा था, मेरा पीएचडी इंडस्ट्री में चल रहा था। तो जब मैं इंटरव्यू देने गई तो वहां मुझे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे, फिर मेरे पीएचडी के बारे में क्वेश्चन पूछा, फिर मुझे पूछा गया कि आपका पीएचडी तो इंडस्ट्री में किया है तो आप टीचिंग कैसे कर पाओगे। तो तब मैंने बताया कि पीएचडी तो कोई एक फील्ड में ही किया जाता है, लेकिन हमने एमएससी तक तो सब कुछ पढ़ा है तो हमारा तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात सुनकर जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनको अच्छी लगी। फिर आगे मुझे पूछा गया कि आप अभी पीएचडी कर रहे हो और आपको 1500 रुपया का स्टाइपेंड मिलता है और आप यहाँ लुणावाड़ा तक जॉब करने आओगे तो भी आपको 1500 रुपया ही मिलेगा, तो आपका आधा पैसा तो भाड़े में चला जाएगा, तो आप यहाँ तक आना क्यों पसंद करते। तब बताया कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है और मैं टीचिंग जॉब में आना चाहती हूँ, इसलिए अभी मुझे मेरे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मेरे लिए सीखना इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं स्टाइपेंड छोड़ के भी यहाँ आना चाहूंगी। तो मेरे आंसर से वो लोग ने समझा कि बराबर उसको सीखने की और उसको टीचिंग में आने की इच्छा है, तो फिर सिलेक्शन हुआ। फिर वो जॉब तो मुझे 4 महीने के लिए ही मिला। मैंने जब ज्वाइन किया तब तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि ये पार्ट टाइम जॉब होती है और पार्ट टाइम में वैकेशन होता है, तब छुट्टियां कर
छुट्टी दे देते हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं था ऐसा। तो नवंबर में मैंने जॉब ज्वाइन किया और अप्रैल में तो मुझे पता चला कि अब मुझे घर बैठ जाना है, क्योंकि मैंने तो वो अपना स्टाइपेंड भी गवा दिया था। लेकिन फिर भी मैं स्वस्थ रही, क्योंकि उस समय मुझे बाबा का ज्ञान था। तो मैंने समझा कि बाबा जो मेरे लिए करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो मैं एकदम स्वस्थ थी उस समय। और उस समय मेरा पीएचडी का थीसिस लिखने का काम भी बाकी था। तो मैंने सोचा कि चलो, बाबा ने मुझे टाइम दिया है, मैं अपनी थीसिस लिख लूंगी। और मेरा जो इंडस्ट्री में पीएचडी का काम चल रहा था, तो मैंने वहां के सर से पूछा था कि मुझे स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ काम है तो मैं वहां आ तो सकती हूँ ना। तो सर ने बताया, आप जरूर आना, जब भी चाहो आ जाना। तो मुझे वहां भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं रही। तो ऐसे करके मैंने पीएचडी का काम पूरा किया, मेरा थीसिस सबमिट हुआ। और उसके बीच में फिर मैं न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो देखती रहती थी। तो धीरे धीरे करके फिर जब नया सत्र शुरू हुआ, तो सितंबर महीने में गोधरा में फिर से पार्ट टाइम का जॉब आया। तो मैंने अप्लाई किया और वहां जब इंटरव्यू देने के लिए गई, तो देखा कि जिस पैनल ने मेरा लुणावाड़ा कॉलेज में इंटरव्यू दिया लिया था, वही पैनल यहाँ थी। तो मैं तो देख के खुश हो गई। और फिर उस समय तो ऐसा हुआ कि मुझे इंटरव्यू में कुछ पूछा ही नहीं, और वैसे ही जनरल टॉक करके सिलेक्शन हो गया मेरा। और फिर वहां ही मुझे पूछा गया कि 2 दिन के बाद नड़ियाद में फिर से पार्ट टाइम, माना मुझे 3 दिन जाना गोधरा में। तो फिर मुझे पूछा गया कि 2 दिन के बाद नड़ियाद में भी पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू है, क्या आपने अप्लाई किया है? मैंने बोला, नहीं, नड़ियाद का न्यूज तो हमारे न्यूज़पेपर में नहीं आता है, तो वो मुझे पता नहीं है। तो मुझे सामने से ही ऑफर मिली कि तो आप पार्ट टाइम के लिए नड़िया इंटरव्यू के लिए आ जाना। तो 2 दिन के बाद मैं नड़ियाद में इंटरव्यू लेने देने के लिए गई। अभी मैं जब नड़ियाद कॉलेज में इंटरव्यू देने गई, उस समय नड़ियाद की कॉलेज का एटमोस्फियर बहुत हलचल वाला रहता था, क्योंकि नड़ियाद कॉलेज का इम्प्रेशन ऐसा था कि वहां बहुत असामाजिक तत्वों का साम्राज्य रहता है। तो मेरा हाइट बॉडी देखकर हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी के प्रमुख थे उस समय, उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को बोला कि ये लड़की इस कॉलेज में नहीं चलेगी। लेकिन नड़ियाद कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने गोधरा और लुणावाड़ा में मेरा इंटरव्यू लिया था, और उनको मेरा थोड़ा आध्यात्मिक नॉलेज है, स्पिरिचुअलिटी में मुझे इंटरेस्ट है, मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ी हुई हूँ, वो भी पता था। तो उन्होंने प्रमुख से बोला, प्रेसिडेंट से, कि आप चिंता नहीं करो, ये लड़की, मुझे विश्वास है कि ये लड़की यहाँ के बच्चों को अच्छी रीति हैंडल कर पाए। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी सितंबर में मेरा सिलेक्शन हुआ नड़ियाद कॉलेज में, और जनवरी में नड़ियाद कॉलेज में फिर से फुल टाइम के लिए एडवर्टाइजमेंट आया। और मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि आपको इसमें अप्लाई करना है। तो मैंने अप्लाई किया, अप्लाई तो कर दिया और वहां सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन फिर से अप्रैल में सर ने बताया कि अगर नेक्स्ट ईयर
स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो फिर आपको ये जॉब छोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? मैंने बोला, एकदम स्वस्थ होकर बोला कि कोई बात नहीं, पीएचडी किया हुआ है और हमारा बड़ौदा तो इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी। कहीं जॉब नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, ट्यूशंस भी तो मिल जाएंगे, मैं थोड़े ही ऐसे बैठी रहूंगी। तो मेरा जवाब सुनकर सर को लगा कि ये बच्ची की मेंटल स्टेटस बराबर है, हिलने वाली नहीं है, अगर कुछ भी हो जाए तो हिलेगी नहीं। तो धीरे धीरे प्रिंसिपल के साथ इतना गहरा रिलेशन हो गया कि वो धीरे धीरे मुझे अपनी बच्ची ही समझते थे, और कोई भी बात होती थी तो बड़े प्यार से बताते थे। वैसे ही जब मैं नडियाद में रहने के लिए गई, मैंने सोचा था पहले से ही कि मुझे जहां भी परमानेंट जॉब मिलेगी तो मैं अप डाउन नहीं करूंगी बड़ौदा से, क्योंकि जाने आने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है, तो उससे अच्छा है मैं वहां रहूंगी तो मैं अपना पुरुषार्थ भी कर पाऊंगी, सेंटर भी जा पाऊंगी, नहीं तो अप डाउन करने में ही मेरा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि अभी मुझे नडियाद रहने के लिए जाना है। तो जब नडियाद रहने के लिए गई, रहने के लिए जाने का सोचा, तो हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि आपको सूट करे ऐसा एक मकान है, आपको देखना है। मैंने बोला हाँ देखना है। तो मकान देखा तो जैसे बाबा ने ही पहले से मेरे लिए सुविधा करके रखी थी, जो मकान में पहले ही देखने गई तो एक विडो बहन थी, सॉरी विडो नहीं थी, डाइवर्स डाइवोर्सी एक बहन थी और उनकी एक बेटी थी, दो ही रहते थे और वहां ही एक रूम में मुझे रहना था, पेइंग गेस्ट के चरिए में रहने गई। तो जब पहली बार मैं गई तो मैंने मकान देख लिया, थोड़ा अंदर था लेकिन फिर भी पवित्र हाथ का खाना मिले वो मेरा पहला लक्ष्य था, तो मैंने हाँ बोल दिया। और फिर दूसरी बार मैं अपनी माता जी को लेकर गई दिखाने के लिए, तो मेरी माता जी को भी पसंद आया। और फिर जब मैं रहने गई तो पहले दिन तो जैसे हम नॉर्मल रहते हैं वैसे रहे, फिर धीरे धीरे वो आंटी के साथ बातचीत हुई और 2 दिन में तो ऐसे मिल गए कि जैसे हम उनके फैमिली के मेंबर हैं। तो 2 दिन के बाद वो आंटी मुझे बताती थी कि पहली बार जब आप आए तो मैं और मेरी बेटी बात कर रहे थे कि ये बहन तो बहुत अभिमानी लगती है, उनकी माता जी तो बहुत सरल है लेकिन बहन तो बहुत अभिमानी लगती है। तो 2 दिन के बाद पूछा कि आप अभी कैसा लगता है, तो बोलते हैं कि हमको पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कोई। तो कहने का भाव कि हमारी स्वस्थिति परिस्थिति को भी परिवर्तन कर देती है, सामने वाले के एटीट्यूड को बदल सकती है। और जैसे जैसे हम वहां रहने लगे तो वो जो आंटी है वो हर एक को बोलते थे कि ये मेरी बड़ी बेटी है, और उनकी जो बेटी थी उनको छोटी बेटी बोलती थी, और आज भी वही रिलेशन है। कहने का भाव है कि हमारी स्वस्थिति से ही हमारे आसपास का वायुमंडल बनता है। हम सभी बाबा के बच्चे इसके अभ्यासी भी हैं और अनुभवी भी हैं। मुझे इस बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय ही ऐसा है कि
जिसमें हर एक के सामने ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें स्ट्रेस डेवलप होता है, थोड़ा गुस्सा भी आता है कभी कभी, कभी कभी उदासी भी आती है, हताशा निराशा भी आती है। और हम देखते हैं कि आज के समय में सुसाइड केस भी बहुत हो रहे हैं, क्योंकि सबके सामने जो सिचुएशन आती है उसको पार करने की जो इंटरनल ताकत चाहिए वो सबके पास नहीं होती है। तो बाबा हमें यही सिखाता है कि परिस्थिति आती है तो उसको हम कैसे पार करें, कैसे हम उसमें स्ट्रगल रहे। तो वैसे स्टेबल रहने का अभ्यास हमें दिन प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आजकल भौतिक सुख साधनों के कारण हम ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले हो गए। अपने आप को ज्यादा कंफर्ट जोन में रखने के कारण हम अपनी इंटरनल एनर्जी को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि आज हमारे पास गाड़ी है, सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए कि गाड़ी है लेकिन कोई कारणवश वो गाड़ी हमारे लिए काम में नहीं आ सकती, तो हमारे लिए अल्टरनेटिव क्या है? हमारे घर में एसी है लेकिन समझो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे अलग अलग विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हमको अपने आप के लिए करने चाहिए। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और अपनी इंटरनल एनर्जी का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए कि वास्तव में मैं इनके भी इस साधनों के बिना भी अपने जीवन को चला सकती हूँ। ये प्रैक्टिकली करना चाहिए। खाने के लिए हमें जो अच्छा लगता है वो तो हम रोज खाते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी अपने मन का प्रोग्रामिंग करना चाहिए कि आज मुझे जो पसंद नहीं है लेकिन अगर किसी दिन कुछ नहीं है और यही खाना है तो मैं उसको भी इतने ही प्यार से खा सकती हूँ। तो ऐसी अपनी मन की प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, ऐसा छोटा छोटा विजुअलाइजेशन करना चाहिए और कंफर्ट से बाहर निकलने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं कभी कभी करती हूँ। तो कैसे हम अपने आप को तैयार करें, विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे स्टेबल रहे, वैसा हम प्रयास करें। सब सुविधा हमारे पास है लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल क्राइसिस है, लेकिन फिर भी हम क्राइसिस में रहने का अभ्यास करें। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, दुनिया में क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम देखते हैं दुनिया में आर्टिफिशियल रेन भी बरसाते हैं। तो अभी हम ज्यादातर आर्टिफिशियल सिचुएशन में रहना सीख गए,
नेचुरल सिचुएशन को भूलते जा रहे हैं और उसी के कारण हमारी इंटरनल एनर्जी भी कम होती जा रही है। तो परिस्थिति में अपनी स्वस्थिति को मजबूत करने के लिए भी हमें आर्टिफिशियल क्राइसिस डेवलप करने चाहिए, अपने आप पर उसके प्रयोग करने चाहिए। एक सिचुएशन में हम चाहते हैं, एक जैसे सिचुएशन, ये टॉपिक का जब मैंने अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कशन किया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये सिचुएशन के लिए बताया कि एक कैंप का आयोजन किया हुआ था, ट्रैकिंग कैंप जैसे होते हैं। तो ट्रैकिंग कैंप में 10-15 भाई गए थे और फिर जब रात हुई, शाम हुई, तो एक नदी के पास एक टेंट बनाया और टेंट बनाकर भोजन भोजन करके सब आराम करने लगे, सोने के लिए गए। अभी ये कैंप में एक भाई ऐसा था जिसको नींद में चलने की आदत थी, लेकिन वो जब रात को सोते वक्त अपने कैंप में बताना भूल गए कि उन्हें नींद में चलने की आदत। अभी कैंप में सब सो गए, सब थके हुए थे तो सो गए। अभी ये भाई जो नींद में चलने वाला था वो नींद में ही चलने लगा, टेंट से बाहर निकलकर नींद में ही चलते चलते आगे आगे बढ़ने लगा और नींद में ही नींद में एक पेड़ जो गिर गया था और ऐसे गिरा था, नदी बहुत छोटी थी और पेड़ लंबा था, तो ऐसे गिरा था पेड़ कि दोनों किनारे पे उसका एंड आता था। अभी वो भाई था, वो चलते चलते वो पेड़ के ऊपर से चलने लगा, तो जैसे जैसे आगे गया तो जो डाली थी वो पतली होती जा रही थी, तो जैसे ही डाली थोड़ी पतली होती जा गई होती गई तो एकदम से वो भाई की आंख खुल गई और आंख खोल के देखा तो भाई नदी के बराबर बीच में खड़े थे और पेड़ की जो लकड़ी थी वो इतनी पतली थी कि पीछे मुड़ नहीं सकते। अभी वो सिचुएशन में क्या करें? ये एक सिचुएशन है। अगर ये सिचुएशन में दो ऑप्शन है, अगर डर गया और पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगा या तो अपने माइंड की स्टेबिलिटी गवा देता तो वो नदी में गिर जाता। अगर स्टेबल रहे और स्टेबल रहकर अगर सोचे कि जान है तो जहान, पहले में एक बार जैसे चलते चलते यहां तक पहुंचा हूं वैसे ही चलते चलते क्रॉस कर लूं नदी को, तो फिर दूसरा तो ऑप्शन मिल ही जाएगा कोई ना कोई। तो ये परिस्थिति है, परिस्थिति में अगर डर जाते हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो सही डिसीजन ले सकते हैं। हम जब बाबा के बच्चे बताते हैं कि योग से अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, तो अष्ट शक्तियों में हम बताते हैं डिसीजन पावर। तो डिसीजन पावर में क्या करना है? तो डिसीजन पावर में अगर मन बुद्धि को हम स्थिर रखते हैं तभी सही डिसीजन ले सकते हैं। हम किसी को भी समझाते हैं कि जब भी डिसीजन लेना है तो अगर अपना मन
उचाट वाला हो, उद्वेग वाला हो, अशांत हो, गुस्से में हो, तभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में लिया हुआ डिसीजन कभी सही नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे सामने परिस्थिति का आना, माना ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, और परिस्थिति हम उसको ही कहते हैं कि जो एकदम से आती है, पहले से बताकर तो नहीं आती है, अचानक से ही आ जाती है। और बाबा ने भी हमको बताया है कि जो कुछ होगा अचानक होना होगा, और उसमें हमको एवर रेडी रहना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तब हमें अपने आप को बहुत स्वस्थ रखना पड़ता है, तो उसकी प्रोग्रामिंग पहले से करनी पड़ती है, अपने मन को पहले से तैयार करना पड़ता है। जैसे हम गुजराती में कहते हैं, आग लागे त्यारे कुओ खोदवा ना जवाय, कहने का भाव हम आगे बताया वैसे कि जो भी परिस्थितियां आती है उसको पहले से उसके लिए अपने आप को तैयार करें। और दूसरी जो मुख्य बात है, हाँ, कोई चीज के बिना चला लेना वो अलग चीज है, लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे में अगर हमारी जॉब चली जाए तो हम क्या करें। तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है, तो उसमें हम अपने आप को कैसे तैयार करें। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को तैयार करने के लिए हमें स्वयं को सक्षम बनाना पड़ेगा, स्वयं को देखना पड़ेगा कि मेरे में क्या स्किल है, मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि दुनिया में दाल रोटी के बिना तो भगवान किसी को भी नहीं रखता है, हर एक को दाल रोटी तो मिल जाती है। तो ये विश्वास कि दाल रोटी तो हमको मिल भी जाएगी, लेकिन हमें स्वस्थ रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे बिना ये कार्य कोई कर ही नहीं सकता है, अगर ये नहीं होगा तो हम जी नहीं सकेंगे, लेकिन हम हरेक बात में ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि कई परिस्थितियां, कई सिचुएशन हमारे सामने ऐसी है जो हम नहीं करते, लेकिन ईश्वर ने या तो कुदरत ने हमारे लिए पहले से ही निर्माण करके रखी। एक एग्जाम्पल, कुदरत ने हमारे लिए ऑक्सीजन पहले से तैयार रखा है, क्योंकि नेचर को पता है कि यहाँ जो भी आत्माएं आएगी उनको जीवन चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ये हमने नहीं बनाया है, और श्वास हम नहीं लेते, श्वास अपने आप लिया जाता है। तो वैसे हम जब सुप्रीम पावर के ऊपर विश्वास रखते हैं और अपने पर आत्मविश्वास रखते हैं तो हम परिस्थिति को पार कर सकते हैं। उसके लिए हमें सही अंडरस्टैंडिंग चाहिए,
राइट थॉट, हमारे शिवानी बहन हमेशा राइट थॉट के ऊपर बहुत भार देती है कि हमारी सोच सही होनी चाहिए। अगर हमारी सोच गलत हो, मतलब हमारी प्रोग्रामिंग अगर गलत हो, तो हम परिस्थिति तो परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती। अगर हमारी सोच सही है, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है, तो हम परिस्थिति में से बाहर निकल सकते हैं। आजकल हम कैसी कैसी प्रोग्रामिंग करते हैं अनजाने में, उसका एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं, तो घर में बच्चों को क्या प्रोग्रामिंग देते हैं? बच्चे को पढ़ाने के लिए कहते हैं कि अगर तू इतना पढ़ लेगा तो तुझे हम ये देंगे। तो ये प्रोग्रामिंग कैसी है, सही प्रोग्रामिंग है कि गलत है? बच्चों को लालच देकर पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को पहले अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए कि पढ़ना तेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पढ़ने से तुझे क्या क्या बेनिफिट है? तेरे लिए दो रास्ते हैं, अगर तू पढ़ेगा तो तू ये कर पाएगा, अगर नहीं पढ़ेगा तो तुझे ये करना पड़ेगा। अगर ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दी जाए और फिर बच्चे को बोला जाए कि हमने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है, अभी करना आपके हाथ में, अभी हम आपको नहीं बोलेंगे कि पढ़ने बैठो, कि ये करो, कि वो करो। हम क्या करते हैं, उनको प्रोग्रामिंग ही अलग देते हैं कि इतना घंटा पढ़ लो तो 1 घंटा मोबाइल देंगे, इतना घंटा पढ़ लो तो आपको ये देंगे। तो ये तो गलत प्रोग्रामिंग है ना? तो गलत प्रोग्रामिंग से बच्चे का माइंड फिर ऐसा ही हो जाता है कि हम ये करेंगे तो हमको ये मिलेगा। फिर बच्चे भी सामने से यही कहते हैं, तो हम उनको क्या सिखाते हैं? उनकी इच्छाओं को हम बढ़ावा देते हैं, उनको हम अपेक्षित बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन उसके मन में आ जाता है कि हाँ आज ये किया तो ये मिला, कल ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जाएगी। तो हम उसको सही सिखाते हैं या गलत सिखाते हैं? तो वास्तव में हमें सही प्रोग्रामिंग अपने आप को कैसे देनी है, अपने बच्चों को कैसे देनी है, हमारे जो साथ में रहते हैं उनको सही प्रोग्रामिंग कैसे देनी है? अगर सही प्रोग्रामिंग होगी, सही अंडरस्टैंडिंग से प्रोग्रामिंग होगी, तभी तो हम परिस्थिति को सही रीति से पार कर सकेंगे, स्वस्थ रह पाएंगे और आगे देखें कि स्वस्थिति माना क्या। उसमें ये भी एक बात है परिस्थिति के में कि जब भी कोई परिस्थिति आती है तो पहले से ही याद रखना है कि परिस्थिति निर्माण हुई है तो उसका साथ ही साथ सॉल्यूशन भी 100% निर्माण हुआ ही है, लेकिन हमें अपने देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। जिस समय हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तब हम एक सर्कल में फंस जाते हैं और वो ही सर्कल में हम सोचते रहते हैं, सर्कल को ब्रेक करना नहीं सोचते। या हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हमें या तो सर्कल को ब्रेक करना चाहिए या तो सर्कल से बाहर निकलना चाहिए, तभी ही हमें सॉल्यूशन मिल पाता है। अगर वो ही साइकिल में रहेंगे तो जहां से भी देखेंगे वहां से हमको सब दरवाजे बंद ही दिखेंगे। तो हमें दो बातें आनी चाहिए, एक आना चाहिए सर्कल को तोड़ना,
इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे विशियस साइकिल को तोड़ो और डीटी साइकिल माना दैवी साइकिल को अपनाते जाओ। तो जैसे जैसे विशियस विशियस साइकिल से निकलते जाएंगे तो दैवी साइकिल में आते जाएंगे। उससे भी अलग मैं कहूंगी, जैसे जैसे दिव्यता आती जाएगी वैसे वैसे विकार हमारे जीवन से दूर होते जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई अलमारी है, अलमारी एकदम पैक है, कुछ भी रखने की जगह नहीं, लेकिन कोई ऐसी चीज घर में आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अलमारी में ही रखने की आवश्यकता है, तो उस समय क्या करेंगे? काम की है, अलमारी में सब चीज काम की है, लेकिन उसमें से भी हम जो कम काम की उसको निकाल देंगे और जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज है उसको रखेंगे। कहने का मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज के लिए हम जगह करते हैं, उसी तरह अगर हम अपने नेचुरल स्वभाव को, जो बाबा चाहते हैं कि हमारा स्वभाव देवता जैसा बन जाए, तो देवता जैसा स्वभाव बनाने के लिए हम जैसे जैसे ऐसे दिव्य गुणों को अपने में अपनाते जाएंगे, वैसे वैसे जो हमारे द्वापर से बने स्वभाव संस्कार है वो अपने आप निकलते जाएंगे। मैं अपना निजी अनुभव बताती हूँ कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था, मैं ज्ञान में नहीं थी, तब तक मैं बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव। जैसे कहे कि गंगा जमुना यहाँ ही रहते थे आंखों में, कुछ किसी ने कुछ कहा रोना, कुछ हो गया रोना। और जब तक मुझे बाबा बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, तब तक मैं बीमार भी बहुत रहती थी, जब देखो तब बीमार। और सर्दी, तो सर्दी जुखाम वो तो जैसे कहो 12 महीना रहता था मुझे, लेकिन जैसे जैसे मुझे बाबा की बातों की समझ मिली, जैसे जैसे मेडिटेशन करते गए, मुझे पता नहीं है कि बीमारी कैसे अपने आप चली गई। अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि साल में एक बार भी सर्दी जुकाम मुश्किल होता है और बुखार भी मुश्किल से साल में एक बार, 2 साल में एक बार, और वो भी थोड़े समय के लिए आता है। तो कैसे ज्ञान और योग को हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने आप को कैसे मजबूत बनाते जाते हैं, इंटरनल एनर्जी हमारे में कैसे कैसे है। ऐसा नहीं है कि इंटरनल एनर्जी नहीं, लेकिन इंटरनल एनर्जी हमारी कैसे बढ़ती जाती है वो हमें भी पता नहीं पड़ता है। तो अपनी स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए थोड़े जो पॉइंट्स है, उसमें पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस। बाबा के हम सभी बच्चे जानते हैं कि हमारे लिए एक्सेप्टेंस की कितनी आवश्यकता है। जब तक हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है उसको हम प्यार से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक हम परिस्थिति का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते। इसलिए एक्सेप्टेंसी बहुत आवश्यक है। बाबा भी कहते हैं हमको कि जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो। बाबा ने भी हम जैसे है वैसे एक्सेप्ट किया है, तो हमें भी व्यक्ति को
परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है। महर्षि रजनीश का एक सेंटेंस, ध्यान में आने से पहले मैंने पेपर में पढ़ा था और वो सेंटेंस मुझे बहुत अच्छी रीति बुद्धि में बैठ गया है। सेंटेंस था कि जब कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सामने आती है और वो परिस्थिति का हम जब स्वीकार कर लेते थे, तब समझ लेना कि 50% सॉल्यूशन तुम्हें मिल गया। फिर मेहनत हमको बाकी के 50% की ही करनी होती। और अगर सिचुएशन का हम स्वीकार नहीं करते तो जैसे बाबा हमको कहते हैं कि क्वेश्चन की क्यू में चले जाते हैं और उसमें हम अपना समय और शक्ति बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें एक्सेप्टेंसी अपने लाइफ में बहुत लाना बहुत जरूरी है। जो समय चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो व्यक्ति हमारे आसपास है उसको एक्सेप्ट करो, जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको एक्सेप्ट करो। बाबा कहते हैं समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बना। तो एक्सेप्टेंसी वो हमको समाधान सिखाती है और उसी में से फिर हमको सॉल्यूशन के लिए दिशा मिलती है। जब तक हम क्वेश्चन में फंसे रहते हैं तब तक सॉल्यूशन के लिए हमें रास्ता नहीं मिलता है। और हमेशा एक बात हमको याद रखनी है कि जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो एक दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही परमात्मा इतना कल्याणकारी है कि एक दरवाजा बंद होते ही अनेक दरवाजे हमारे खुल जाते हैं। लेकिन हमारी नजर हमेशा बंद दरवाजे पर ही जाती, इसलिए खुले हुए दरवाजे हमको दिखते नहीं। बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल जो हमारी क्या सेटिस्फेक्शन होती है, अरे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है, और वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती है तब हमारी सिचुएशन क्या होती है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको सुनाती हूँ कि अगर मेरा कोई रिलेटिव है, उनकी तबीयत खराब हो गई, उस समय उस रिलेटिव की हेल्प के लिए मैं पहुंच गई। अभी मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैंने उस रिलेटिव को फोन किया, मैसेज दिया कि मेरी तबीयत खराब है और वो रिलेटिव मेरे पास नहीं आए। रीजन कुछ भी हो, रिलेटिव के पास रीजन कुछ भी, समझो कि उनका संजोग ऐसा था कि नहीं आ सकते हैं, समझो उनकी इच्छा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, कोई भी रीजन है, लेकिन वो नहीं आए। हमारे मन में क्या चलेगा? पहली बात हमारे मन में यही आएगी कि उनकी जब खराब सिचुएशन थी तब मैंने उनको सहयोग दिया था, मदद की थी, और मेरी जब ऐसी स्थिति आई तब उसने बहाना बता दिया, नहीं आए मेरे मदद के लिए। लेकिन अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल याद करें कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी सबको पुकार चुकी थी, कोई उसकी मदद के लिए नहीं आए थे, और लास्ट में जब दोनों हाथ भगवान की तरफ फैलाए और भगवान उनकी मदद के लिए आए, क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? अगर हमारा बाबा के साथ
अगर हमारा भगवान के साथ ऐसा दिल का रिश्ता है तो हम अपनी जरूरत के लिए सिर्फ भगवान को ही क्यों याद ना करें, सिर्फ एक ही शब्द बोले कि भगवान बाबा मेरे सामने ये सिचुएशन है और मुझे इस समय में आपकी मदद की आवश्यकता है। बस बाबा किसी को न किसी को निमित्त बनाकर भेज देते। हर एक का ऐसा अनुभव, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई कहानी मैं सुना रही हूँ, हर एक ने अनुभव किया हुआ है। लेकिन फिर भी इंसान है तो इंसान के नाते कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आ जाती है और वो ही एक्सपेक्टेशन हमको दुखी करती है। इसलिए सबसे पहले सिचुएशन को हम एक्सेप्ट करें और एक्सपेक्टेशन से हमको दूर रखें, क्योंकि पता है कि इच्छा अपेक्षा ही दुख का मूल है। दूसरी बात, सेटिस्फेक्शन, कहते हैं ना संतोषी नर सदा सुखी। बाबा भी बताते हैं कि अभी हमको स्थूल बात का एक्सपेक्ट, स्थूल बात की कोई इच्छा अपेक्षा नहीं होती, लेकिन हाँ बाबा के जो बच्चे होते हैं वो किस में फंस जाते हैं, नाम मान शान में फंस जाते हैं। तो जब नाम मान शान में फंस जाते हैं तो फिर जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष आ जाता है। इसलिए हम अपने आप को हमेशा भरपूर रखें, भरपूरता का अनुभव करें, क्योंकि हमें देना है। हाँ बाबा ने बार बार सिखाया है, देने में ही लेना है। तो अगर हमें कुछ देना है तो हमें अपने पास स्टॉक जमा करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को भरपूर रखें। और संतोष एक ऐसा गुण है कि इस गुण को अगर हम जीवन में अपना लेते हो तो उसके पीछे पीछे अनेक गुण, अनेक शक्तियां अपने आप जीवन में आती जाती। इसलिए परिस्थिति में स्वस्थ रहने के लिए संतोष बहुत जरूरी है। अगर संतोष नहीं है जीवन में तो हम रेस में, कंपैरिजन में, कंपटीशन में भी चले जा सकते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए भी हमारे जीवन में संतोष, भरपूरता बहुत जरूरी है। और बाबा ने हमको बार बार सिखाया है कि ये वैरायटी ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी, और आप यूनिक हो तो अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। स्वस्थ रहने के लिए मैं आत्मा यूनिक हूं और मेरे पास जो है वो दूसरे किसी के पास नहीं। हाँ बाबा कहते अपनी गोट तो चढ़े नशा, तो अपने पास जो है उसके नशे में रहो। नशे में रहना माना अभिमान में नहीं रहना है, लेकिन स्वमान में रहना। तीसरी बात जो मैंने आगे बताई, डिटेच ऑब्जर्वर, बताया मैंने कि सर्कल से बाहर निकलना, सर्कल को ब्रेक करना, जिसके लिए बाबा शब्द यूज करते हैं साक्षी दृष्टा होकर देखो। कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो उसको साक्षी होकर देखना सीखो, तब सॉल्यूशन मिलेगा। इसके लिए बाबा ने हमें अभ्यास सिखाया है कि बार बार अपने को सूक्ष्म वतन वासी अथवा परम धाम निवासी बना लो और समझो
मैं फरिश्ता इस सृष्टि पर ये कार्य के लिए आया हूँ। कार्य पूरा किया, वापस चले गए वतन। तो बार बार डिटेच होना सीखो, जितना डिटेच होंगे उतना परिस्थिति को सहज पार कर सकेंगे। चौथी बात, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्वयं का परिवर्तन। बाबा हमेशा कहते हैं परिवर्तन करने में पहले मैं। कौन सी चीजों में परिवर्तन करना है? परिस्थिति आती है तो उस समय क्या परिवर्तन करना है, क्या सोचना है, क्या अंडरस्टैंडिंग करनी है? तो उसके लिए आगे बताया, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थिंकिंग, वो ही सबसे पहले परिवर्तन का आधार है। क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी स्थिति बदल सकती है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। तो परिस्थिति को पार करने के लिए हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप का परिवर्तन करना पड़ेगा। ये नहीं मिला है, कोई बात नहीं, मेरे में सक्षमता है, मैं ये कर लूंगी, है ना? तो अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उसका यूज करना सीखो। ये नहीं है तो ये कर ले, ये नहीं है तो ये कर ले। तो हमारे पास बहुत इंटरनल एनर्जी है और हमारे पास करने के लिए भी बहुत चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है, और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये करूंगी तो ही आगे बढ़ूंगी। हाँ, बाबा जैसे कहते हैं कि मेरे भोजन बनाने वाले बच्चे भी नंबर वन है तो भाषण करने वाले भी बच्चे नंबर वन है। तो कहने का भाव है कि हमें जो कार्य मिले उसको खुशी से अपना कर उसमें परफेक्शन लाने का प्रयास कर। अगर मुझे झाड़ू लगाने की सेवा मिली है तो मैं झाड़ू कितना परफेक्शन से लगाऊं, दिल लगाकर लगाती, बाबा की याद में लगाती हूँ कि मेरी स्थिति नीचे आ जाती है कि अरे मैं तो भाषण करने वाली, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी और मैं क्या झाड़ू लगाऊं। बराबर, तो अपनी स्वस्थिति कैसे हम मजबूत बनाए, कोई भी छोटा काम हम कैसे परफेक्शन से करें, उसका आनंद ले। मुख्य चीज परिस्थिति आती है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए हम ऐसी चीज करें, ऐसा काम करें जो हमें आनंद दे। अगर वो काम हमें नहीं पसंद है तो भी हम उसको बड़े प्यार से करें तो उसमें हमको आनंद आएगा। तो परिस्थिति में उदास नहीं होना है, लेकिन परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड करके आनंद का अनुभव करना है और उसमें परफेक्शन लाने का प्रयत्न करना है। उसके बाद हम अपने आप को देखें कि हमारे में प्रेम का तत्व कहाँ तक छिपा हुआ है। हम हरेक को निर्मल और निस्वार्थ प्रेम दे सकते हैं? हमारा प्रेम अनकंडीशनल है, अनलिमिटेड है? अगर हमारा प्रेम अनकंडीशनल अनलिमिटेड है तो वो हमें परिस्थिति में से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगा, जिसको कहते हैं दुआ दो दुआ लो। हम हरेक के लिए दुआ देते जाए तो वो हमको परिस्थिति में से बाहर निकलने में बहुत मदद करती। जैसे कहते हैं दुआ दवा का काम करती। तो
परिस्थिति वो हमारे लिए एक प्रकार की बीमारी, और दुआ हमारे लिए दवा है। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि हम बस हर एक को दुआ देते जाए, हर एक के लिए दुआ कर, तो वो भी हमको स्वस्थिति में रखने, स्थित रखने के लिए बहुत मदद रूप बनेगा। और उसके आगे का एक पॉइंट है, स्थित प्रज्ञा है। शास्त्र में बताते हैं अर्जुन को, जब स्थित अर्जुन की जब स्थित प्रज्ञा अवस्था हुई तो वह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। हम भी योद्धे हैं, बाबा ने तो हमको योद्धा ही बनाया है, तो हमें भी योद्धा बनकर ही इस संसार में रहना है। योद्धा तो बनना है, लेकिन कैसा योद्धा? स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा माना न राग न द्वेष। हाँ, कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारी पहली बात क्या होती? ब्लेम, चाहे किसी और को ब्लेम करे, चाहे अपने आप को ब्लेम करे। मैंने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा, या तो उसने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा, बराबर। हाँ, तो ब्लेम में से बाहर निकलने के अपने आप को स्थित प्रज्ञ बनाओ, साक्षी दृष्टा अपनी स्थिति बनाओ, और अपने आप से बातें करो कि ड्रामा में इस समय मेरे साथ यही होना था और हुआ, अब मुझे आगे क्या करना है। तो हम अपनी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और सातवीं बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अपने गोल की तरफ अपनी नजर रखो, अपनी डेस्टिनी को निश्चित कर दो, मेरा गोल क्या है। बाबा भी कहते हैं हाँ कि कोई डेस्टिनी हमने डिसाइड की है और उस जगह पर हमको पहुंचना है, तो बीच में साइड सीन तो अनेक आए, और साइड सीन को देखते हुए ही हमें अपने गोल पर पहुंचना है। ऐसा नहीं है हाँ, जैसे हमको बाजार में कुछ लेने के लिए जाना है तो रास्ते में ट्रैफिक भी आएगा, रास्ते में और दुकानें भी आएगी, तो हम दुकानों को ऐसा हम ट्रैफिक को ऐसा कह सकते हैं कि अरे मुझे जल्दी पहुंचना है, आप मेरे रास्ते में क्यों आए। हम दूसरी शॉप को ऐसा कहेंगे अरे कि मुझे तो वही शॉप में जाना है, ये सब शॉप बीच में क्यों है, बीच में तो सब कुछ आएगा। लेकिन हमारी डेस्टिनी क्या है वो अगर हमें पता है तो उस डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए हम कैसी भी परिस्थिति को पार करते हुए अपनी डेस्टिनी तक पहुंच ही जाएंगे। तो अपने गोल को अपने सामने रखे, तो स्वस्थिति में स्वस्थ रहने के लिए ये एक बात है जो मैं आपको सुनाती हूँ। ये भी महर्षि रजनीश की बात है। महर्षि रजनीश ने बताया कि मेरा नंबर वन गोल है प्योरिटी को प्राप्त करना। और रजनीश जी भगवान से बात करते थे कि मेरा नंबर वन गोल है प्योरिटी को प्राप्त करना, और इस रास्ते में जाने के लिए जो भी बातें मेरे में है, अगर आपको कोई भी मेरे में इम्प्योरिटी नजर आती है तो आप उस समय मेरे लिए धर्मराज के रूप में सामने आना और मुझे कड़े से कड़ी सजा देना और मुझे प्योरिटी तक पहुंचा देना। तो हमारा भी लक्ष्य क्या है? संपूर्ण पावन बनना। संपूर्ण पावन बनकर अपने परम धाम संपूर्ण पावन दुनिया में जाना, और परम धाम से फिर पावन सतयुगी दुनिया में
वापिस नया जन्म लेकर अपना पार्ट प्ले करना, तो यही हमारा लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को सामने रखकर हमें परिस्थिति को पार करते जाना है और स्वस्थिति में अपने स्वमान में स्थित होना है। अच्छा, ओम शांति। हमारी स्वस्थिति में स्थित रहने के लिए हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं वो ही इम्पोर्टेंट है। परिस्थिति तो हरेक के सामने अलग अलग रूप में आई ही होगी और आती भी रहेगी, लेकिन हम कैसे उस परिस्थिति को पार करते जाते हैं। जैसे आगे सुनाया कि कैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसको पार करते हैं। पेपर भी आते हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी ने गुस्सा कर दिया हमारे ऊपर, हमारी कोई गलती नहीं थी और किसी ने हमारे पर गुस्सा कर दिया, तो उस समय हम शांत कैसे रहे, क्या सोचे। हमारे शिवानी बहन तो हमको सिखाते हैं कि गुस्सा करना उनका स्वभाव है और शांत रहना हमारा स्वभाव है। लेकिन वास्तव में हम अपने आप से पूछें कि हम शांत रह सकते हैं। हम अपने आप से बातें करें, क्या बातें करें, पहले अपने आप से बात करें, क्या हम सदा के लिए शांत और स्वस्थ रहना चाहते हैं। पहले बात अपने आप से प्रश्न पूछते जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने आप से प्रश्न करते जाएंगे तो वैसे वैसे हम अपने परिस्थिति पे, हम अपने सामने आने वाली परिस्थिति को देखते जाएंगे और फिर उसका सॉल्यूशन भी हमको मिलता जाएगा। तो पहला हमारा लक्ष्य क्या है, क्या हम अपने आप को हमेशा के लिए शांत और स्वस्थ रखना चाहते हैं। किसी किसी का स्वभाव ही ऐसा होता है जो बार बार पास्ट में चले जाते, बार बार कोई परिस्थिति आई तो उसको ही याद करते रहते। तो पहले ही अपने आप को तैयार करें कि हम क्या चाहते हैं। दूसरा प्रश्न हम अपने आप से करें, क्या हम चाहते तो है लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं। हर सिचुएशन में हर समय हम शांत रह सकते हैं। आंसर देखें, हाँ या ना, अगर हाँ तो ये कैसे, अगर ना तो हमें और क्या करना चाहिए। अपने आप से बातें करें कि अगर हम उस परिस्थिति में, हर परिस्थिति में शांत रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह पाते, तो हम क्या अप्लाई करें, अपने आप को कैसे शांत करें। ये जो बातें बताई उसमें से हम कौन सी टिप्स अप्लाई करें, क्योंकि हमेशा याद रखें कि हर वक्त ऐसा नहीं होता है, हर सिचुएशन हमारी फेवर में नहीं होगी और नहीं होगी, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ में है लेकिन हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में। तो हम सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकते, हम अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते, क्योंकि सिचुएशन टेम्पररी है, वो बदलने वाली। आज ये सिचुएशन, कल दूसरी, परसों तीसरी, तो सिचुएशन बदलती रहेगी। लेकिन अगर हमारा कंट्रोल अपने हाथ में होगा तो हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहेंगे। तो दूसरा प्रश्न, क्या हम हमेशा के लिए शांत और स्वस्थ रह सकते हैं। अगर नहीं रह सकते तो हम अपने लिए क्या प्लान बनाएं। तीसरी बात, हम अपने आप से पूछें,
ऐसी कौन सी बातें हमारे में जो हमारे सामने जो सिचुएशन आती है उसमें हमको अशांत बनाती है, या तो हमको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए विघ्न रूप है। तो अपने आप से बातें कर कि ये सिचुएशन जो हमारे सामने बार बार आती है और ये सिचुएशन हमें विघ्न समान लगती है, या तो हमें आगे बढ़ने में हमारे आगे बढ़ने में ये हमको रुकावट डालती है, तो वो सिचुएशन को हम कैसे परिवर्तन करें? क्योंकि हर एक के सामने आने वाली सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, अलग अलग सिचुएशन। तो हम अपने आप से जितनी जितनी बातें करते जाएंगे उतना उतना हमें उसका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम बाबा की बातें रोज रोज सुनते हैं, तो हमको इतना तो पता होता ही है कि इस परिस्थिति में हम क्या करें। लेकिन जैसे बाबा हमको कहते हैं कि कभी ऐसा हो जाता है, शक्ति या तो है हमारे पास, ज्ञान भी है, लेकिन जिस समय जो शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वो हम नहीं करते, है ना? बाबा बार बार हमको कहते हैं कि जहां सहन करना है वहां सामना कर लेते हैं, जहां सामना करते हैं वहां सहन कर लेते हैं। तो ऐसा जो शक्ति जिस समय, कौन सी शक्ति हमको अपने लिए अप्लाई करनी है, तो उसकी हमको पक्की समझ चाहिए। पहले से ही अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने बार बार आती है तो पहले से ही हम उसके लिए तैयार हो जाएं, अपने आप को तैयार कर लें। हाँ, बाबा कहते हैं कि मेरी छत्र छाया में रहो। तो अगर हमको लगता है कि कोई परिस्थिति हमारे सामने बार बार आती और वो हमको बार बार नीचे ले आती है अपनी स्थिति से, तो बार बार अभ्यास करो कि मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में हूँ और बाबा का सुरक्षा कवच मेरे आसपास है। तो ऐसा कोई भी ऐसा अभ्यास जो हमारी स्थिति को शांत रखने में, स्वस्थ रखने में मदद करे। लेकिन आगे भी बताया कि राइट थिंकिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग, और पहले से ही अपने आप को प्रोग्रामिंग देते जाओ कि मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे ये करना है। जैसे बताया आर्टिफिशियल क्राइसिस, कोई विघ्न नहीं भी है हमारे सामने तो अलबेले नहीं बनना है। जब हमारे सामने कोई विघ्न नहीं, जब हमारी मानसिक स्थिति एकदम स्टेबल है, तब हम अपने लिए आर्टिफिशियल क्राइसिस खड़े करें और ऐसी परिस्थिति हमारे सामने लाए और फिर उस परिस्थिति में से बाहर निकलने का अभ्यास करें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे लिए। अभी से ही हमको ये करना है, क्योंकि अचानक और एवर एवर रेडी के लिए ये प्रोग्रामिंग हमारी आत्मा को देना बहुत आवश्यक है। फिर आगे प्रश्न पूछे कि अगर हमारे सामने सिचुएशन आई भी, कोई विघ्न भी आया, तो प्रश्न पूछे कि वो परिस्थिति को हम कितने समय में पार कर सकते हैं, हमारे उस परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए हमें कितना समय चाहिए। बाबा ने तो बताया है सर कि जो भी परिस्थिति आएगी 1 सेकंड की होगी, पेपर 1 सेकंड का होगा, लेकिन हम अपने लिए आर्टिफिशियल क्राइसिस खड़ा करें और फिर उसमें से बाहर निकलने का अभ्यास, और फिर सोचे
कि इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए हमने कितना समय लिया। जैसे एक एग्जाम्पल बताएं कि हमारे परिवार में कोई स्वजन की डेथ हो गई, अभी वो परिवार में सपोज 5 मेंबर है, क्या पांचों ही मेंबर को ये परिस्थिति एक जैसी अनुभव होगी कि अलग-अलग? हम समझते हैं कि सभी को अलग-अलग ये परिस्थिति महसूस होगी, क्योंकि हर एक की समझ, हर एक की जो आंतरिक शक्ति है वो जितनी मजबूत होगी, वो इंसान उस परिस्थिति में से जल्दी बाहर निकल पाएगा। जैसे बताते हैं कि एक घर में एक परिवार था, 3 बच्चे थे और माँ बाप थे। बाप जुआ खेलता था और शराब पीता था, और फिर घर में आकर पैसे के लिए, हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा करता था। ये परिस्थिति को अपने तीनों बेटे देखते रहते थे। तो पहला बेटा था बड़ा, उसने सोचा कि ये मेरा बाप हमको क्या शिक्षा देगा, यहाँ रहकर क्या हम रोज ऐसा लड़ाई झगड़ा ही देखते रहेंगे, क्या ये भी कोई जीवन है, इससे तो अच्छा है घर छोड़कर चले जाए। बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया, साधु हो गए, हो गया, हाँ, संसार से उसको नफरत आ गई, घर छोड़कर चला गया। सबसे छोटे वाला बेटा था, कहता है कि बाप शराब पीता है, बाप जुआ खेलता है, हम भी क्यों ना वही रास्ते पर चले, हमको कौन कहने वाला है। बाप तो बोल नहीं सकता है, क्योंकि बाप खुद ऐसा करता है तो वो हमको क्या सिखाएगा। तो वो जो छोटा वाला बेटा था वो बाप के रास्ते पर चल पड़ा। अभी बीच वाला बेटा था, तो बीच वाले बेटा जिसकी अंडरस्टैंडिंग सही थी, जिसकी सोच सही थी, उसने सोचा कि नहीं, मेरी माँ ने बहुत कष्ट सहन किया है, मेरे बाप को समझ नहीं है, लेकिन मुझे तो समझ है, मुझे तो अपने परिवार के लिए कुछ करना है, मुझे अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना है। तो बीच वाला जो बेटा था वो अपने मोहल्ले में एक टीचर बहन थी, उनसे मिलने गया और बोला कि मेरे परिवार में ये हालत है, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? टीचर बहन ने बोला हाँ मैं पढ़ाऊंगी। तो टीचर बहन ने तो पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे बच्चा 10वीं में आया। अभी वो टीचर बहन 10वीं का नहीं पढ़ा सकती है, तो बोला टीचर बहन ने कि अब क्या करोगे? तो बोला कोई बात नहीं, आप इस मोहल्ले में कोई दो चार अच्छे व्यक्ति हो, उसके उसके साथ मेरी पहचान करवा दो। तो टीचर बहन ने दो चार अच्छे व्यक्ति के साथ वो बच्चे की पहचान करवा दी, और बच्चे ने बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद के लिए मुझे किसी के पास ले चलो। तो उसको एक धनी व्यक्ति के पास लेकर गए, और धनी व्यक्ति ने बोला कि इस साल मैं आपको पढ़ाई के लिए पैसा मदद करता हूं, अगर आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट लाओगे, तो आगे के लिए मदद करूंगा। तो ऐसे करते वो 10वीं में बोर्ड में फर्स्ट आया, फिर 12th साइंस में फिर बोर्ड में आगे नंबर आया, मेडिकल में गया, बहुत अच्छा साइकियाट्रिक डॉक्टर बन गया, और अपने माँ बाप को अच्छी तरह से पाला, और अपने भाई को भी अच्छी
लाइन पे लगाया। कहने का मतलब कि परिस्थिति तो तीनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन तीनों का देखने का नजरिया अलग था, तो अलग अलग दिशा में चले गए। तो कहने का भाव है कि अगर हमने अपने मन की प्रोग्रामिंग सही की, अपने मन को सही रीति से तैयार किया, तो हम परिस्थिति में भी स्वस्थ रह पाते हैं। आजकल कोरोना की महामारी चल रही है, हम देखते हैं कि बहुत लोग डर गए हैं, और सिचुएशन भी ऐसी है, लेकिन डरना वो ही तो कोई सॉल्यूशन नहीं। हम कितने दिन काम धंधा नहीं करेंगे, कितने दिन घर में रहेंगे? अगर घर से काम हो सकता है तो वो करें, अगर घर से काम नहीं हो सकता है तो हम प्रिकॉशन रखें। लेकिन डरने से दुनिया तो रुक नहीं जाएगी, समस्या टल नहीं जाएगी। इसलिए हमको बार बार बताया जाता है कोरोना के लिए कि सुरक्षित रहो, डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। बाबा भी हमको वही सिखाते हैं, हाँ, कि अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते जाओ तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। हाँ, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति छोटी है, लेकिन हमारा नजरिया देखने का सही है तो वो छोटी दिखेगी। अगर हमारा नजरिया सही नहीं है तो परिस्थिति हमको बड़ी दिखेगी। तो कैसे हमें स्वस्थ रहना है, रोज रोज, हाँ, अंदर 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 अपनी प्रोग्रामिंग करते जाए, हाँ, अपने स्वमान को, हाँ, घोट घोट कर अपने स्वमान में स्थित होते जाए, और अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते जाए। यही शुभ आशा और शुभ भावना के साथ ओम शांति।